नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बंधन बैंक, इसके ऊपर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बंधन बैंक में बहुत गजब की पैनिक चल रही है। पिछला वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे मैसेज मुझे फिर आए कि सर, आपने वीडियो तो बनाया लेकिन उसके बाद फिर गिरावट हो गई। तो मैं ये भी बताऊंगा कि उस वीडियो के बाद ये जो गिरावट आई है उसके बावजूद कोई भी चर्चा करना क्यों उतना मुझे सही नहीं लग रहा था, बट इतने मैसेजेस आए और मेल्स आए मुझे कि सर, नाउ व्हाट वी डू इन बंधन बैंक, तो इस सब में चर्चा करूंगा। प्लस बंधन बैंक क्यों एक, मैंने जो लिखा है, सोमवार को आर या पार का दिन हो सकता है, कि जिस क्रूशियल लेवल में खड़े हैं दोस्तों, तो ये अगर जो सपोर्ट है वो अगर टूटते हैं तो एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो सकती है, लेकिन अगर ऊपरी स्तर टूटते हैं तो एक अपवर्ड रैली शुरू हो सकती है। ठीक है, तो सब में चर्चा करेंगे और किसके चांसेस ज्यादा हैं इस पे बात करेंगे, और ऑल टाइम हाई है मार्केट, इस चीज को देखते हुए बंधन बैंक में हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किन लेवल्स में रखना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ सबसे फेवरेबल है एज ए इन्वेस्टर, ये सब में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे, केवल 8% ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं। बाकी लगभग 92% ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो गाइस, उनसे भी निवेदन है मेरा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ और टेक्निकल, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं थोड़ा सा शेयर प्राइस की तरफ। अब आप देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों लगभग 2.27% की आपको गिरावट दिख रही होगी। ठीक है, और ये जो गिरावट दोस्तों ये लगातार जारी है। आप देखिए, पिछले 5 दिन में अगर बात करेंगे तो लगभग -4.6% है। ठीक है, और 1 महीने में शायद आपको इसमें थोड़ी तेजी दिखे, ठीक है, लोगी लगभग 6.5% के आसपास की है, लेकिन दोस्तों 6 महीने में अगर आप जाएंगे तो आपको एक सीवियर गिरावट पाएंगे, लगभग 18.5%। दोस्तों देखिए, ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना, ये तब से शुरू हुई थी जब चुनाव आए थे असम सरकार के, और उन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कहा था कि उन्होंने मॉरिटोरियम दी थी, जिसके कारण बंधन बैंक, जिसका असम में बहुत ही बड़ा, सिर्फ असम ही नहीं दोस्तों, इसका बिजनेस जो है नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है, और जब वहाँ चुनाव हुए तो सरकारों ने कहा कि भाई कर्ज माफी का जो ऐलान हुआ उसके बाद से इस शेयर में बहुत बड़ा दोस्तों प्रेशर बना हुआ है। और आप देखिए, जब से बना है आप एक चीज़ पाएंगे कि ये शेयर दोस्तों ऐसे ये गया फिर ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ऊपर, ये तब से लोअर ट्रेजेक्टरी में ही काम जा रहा है दोस्तों। यानी ये देखिए आप, एक अगर आप देखेंगे तो ये लोअर ही जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा लोअर है दोस्तों। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। बंधन बैंक एज अ क्वालिटी बैंक ये बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लेकिन COVID-19 के बाद क्या हुआ है दोस्तों, जो छोटे व्यापारी हैं, जो MSMEs हैं, MSMEs जिनको बंधन बैंक ज्यादा लोन देता है, ऐसे लोगों को इनके ऊपर जो NPA का इशू है ये बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसका ग्रॉस NPA चेक करेंगे तो आप पाएंगे वो लगभग 8% हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बंधन बैंक में यही कारण है कि जो बंधन बैंक टेक्निकली वीक है और ऊपरी स्तर पर लगातार गिरावट जा रही है। ठीक है, आप बात करें जनवरी से अभी तक तो आप पाएंगे कि शेयर ऑलरेडी दोस्तों 30% गिर चुका है, 30.50%। ठीक है, 3.5% गिर चुका है, 30%। ठीक, और साल भर में बात करें तो आप जहां साल भर पहले थे आज भी वहीं खड़े हैं, ये देखिए। ठीक है, आप देखिए ये, मतलब अक्टूबर 2020 में आप यहां थे और आज देखिए सितंबर लगभग 24 हुआ है, या आप लगभग सेम ही जगह पे हैं। ठीक है, आज ये देखिए आप लगभग सेम जगह पे हैं। तो भाई, अब आगे क्या है शेयर होल्डर्स के लिए, बंधन बैंक में क्या निवेश करना चाहिए? दोस्तों मैं फिर कहूँगा बहुत बोरिंग बात, कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको बिल्कुल इसमें पोजीशन बनानी चाहिए दोस्तों। ठीक है, हर एक गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको थोड़ा NSE की वेबसाइट में ले जाना चाहूँगा। आप देखिए, आप पाएंगे लगभग 40 लाख से ऊपर की शेयर की यहाँ ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, और लगभग डिलीवरी देखिए 44% से ज़्यादा की हो रही है। ठीक है, मतलब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा है। ठीक है,
ये शेयर ऊपर तो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है, ठीक। और आपको एज अ शेयर होल्डर, अगर आप कोई शॉर्ट टर्म की पोजीशन बना रहे हैं बंधन बैंक में, पहले तो मैं कहूँगा बंधन बैंक शॉर्ट टर्म पोजीशन ना बनाएं दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई है और गिरावट होने के चांसेस थोड़े से मेरे को अभी ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप पोजीशन की बात करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो 200 है ना दोस्तों, 283 मान के चल सकते हैं आप, 283 ये इसका एक अच्छा सपोर्ट था जो है तोड़ के क्लोजिंग बेसिस बंद हुआ है, और 275 ये थोड़ा शॉर्ट टर्म पोजीशन में बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर 275 क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लोजिंग बेसिस में 275 तोड़ता है तो दोस्तों बहुत ही भयंकर गिरावट हो सकती है इस शेयर में। और अगर ग्लोबल सेल ऑफ शुरू होता है, मार्केट ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट बुकिंग आती है थोड़ी बहुत, तो आप देखेंगे शेयर में गिरावट हो सकती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 2.5% लगभग 2% गिरा है, लेकिन मार्केट दोस्तों बंद हुआ है ऊपरी स्तरों पे, 60K मार्केट 60K को तोड़ के बंद हुआ है, और बंधन बैंक पिछले लगातार गिरावट जारी है इस बैंक में। लेकिन फंडामेंटली बात करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। असम सरकार ने कहा था कि हम बेल आउट देंगे, लेकिन अभी तक कोई बेल आउट दिया नहीं है। इसके पास एक ट्रिगर यह है कि असम गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आती है कि हम पहला बेल आउट पैकेज दे रहे हैं उन लोगों को, और कोई ट्रांसफर होता है फंड, आप देखेगा रैली की तरफ भागेगा ऐसे, ठीक है। और 310, जिस दिन ये 310 क्लोजिंग पे तोड़ा दोस्तों, एक सीधा शॉर्ट टर्म टारगेट 23025 के पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्थिति थोड़ी गंभीर है, माफ कीजिए, स्थिति थोड़ी गंभीर है, सबको Q2 का इंतजार है शेयर में, ठीक है। और मंडे को अगर दोस्तों ये 280 तोड़ते हुए नीचे बंद होता है तो फिर गिरावट हो सकती है, ठीक है दोस्तों। लेकिन रेजिस्टेंस सबसे पहले दोस्तों 990 रुपए, इसके पास ऊपर इस पर रेजिस्टेंस, ये टूटेगा तो फिर 300, ये टूटेगा 310 दोस्तों, ये लगातार देखिए अच्छे खासे रेजिस्टेंस हैं लोग, इसीलिए अभी उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है बंधन बैंक मुझे एंट्री करने की। हाँ, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो थोड़ा अभी कर लीजिए, फिर गिरे 250 के आसपास और कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं है कि 250 जाए, इसीलिए एक अमाउंट डाल के इसमें छोड़ना चाहते हैं छोड़ के रख दीजिए। बैंक बहुत अच्छा है, लेवल्स क्रूशियल मैंने आपको बता दिया है। मंडे आप देखिए शेयर किस तरह होवर अराउंड करता है, अगर गिरावट सीवियर होती है तो, और 275 के आसपास ही जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है दोस्तों जाएगा। हाँ, 280 तोड़ के नीचे इस तरह बंद होता है दोस्तों, 278 इसके पास एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, 278 के पास से आप एक बाउंस बैक देख सकते हैं, इसीलिए वहां एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, और अगर गिरावट हो तो और माल उठाएं दोस्तों, लेकिन 250 260 से पहले नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं आपको, बंधन बैंक में जो मैं आपको सब बात कर रहा हूं, ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको कोई भी पोजीशन आने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लेनी है दोस्तों, ठीक है, और खुद भी कुछ रिसर्च करना है, कोई भी कुछ बोल दे उसके ऊपर नहीं जाना है, और आपको एज अ शेयर होल्डर इस शेयर पे बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। बंधन दे दोस्तों बहुत अच्छा बैंक है, कुछ रीजंस के कारण, न्यूज फ्लो के कारण अभी दबाव में है दोस्तों, और देखिए जब कोई अच्छा बैंक दबाव में होता है ना दोस्तों, उस समय उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और आने वाले समय से वो रिटर्न वैसा ही देता है जो उस जो उस कठिन पीरियड है उसमें सस्टेन कर जाता है। एज अ इन्वेस्टर पेशेंट टेस्ट करता है और वो एक पेशेंट इन्वेस्टर निकलता है, तो उससे ही दोस्तों रिटर्न का फायदा होता है, ना कि उनको जो हर रैली में खुश हो जाते हैं, हर गिरावट में घबरा जाते हैं। बंधन बैंक एज ए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा बैंक दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इसका ट्रिगर पॉइंट होगा Q2 में अगर हालात ठीक होते हैं दोस्तों, आप देखिएगा बंधन बैंक एक री रेटिंग की ओर जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों मेरा बंधन बैंक के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक आप सभी का देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।